अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जॉन डियर के समीप जैन पंप पर लगा थिनर पानी मिक्स पेट्रोल बेचने का आरोप। लोगों ने किया हंगामा, पुलिस बल सहित अधिकारी मौके पर। करनी सेना पदाधिकारियों ने भोपाल रोड स्थित जॉन डियर के समीप जैन पंप पर थिनर पानी मिक्स पेट्रोल बेचने का आरोप लगाया। यहां पंप संचालक द्वारा लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाने पर उग्र होकर भीड़ ने मौके पर ही धरना दे दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। पंप पर हंगामे की सूचना मिलने पर कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पंप संचालक द्वारा थिनर मिक्स पेट्रोल लोगों को बेचा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंप संचालक की कार्यशैली की वजह अधिकारी यहां तत्काल नहीं पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि 10 मिनट में संबंधित अधिकारी नहीं आए तो वे भोपाल रोड पर चक्काजाम कर देंगे। इस चेतावनी के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और सैंपलिंग की कार्रवाई शुरू की। इधर पंप संचालक मयंक जैन ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके यहां किसी भी प्रकार से मिलावट नहीं की जा रही है। जिस थिनर के मिलाने की बात की जा रही है वह वास्तव में इथेनॉल है और शासन ने ही 12% इथेनॉल ईंधन में मिलाने की स्वीकृति दी है और डिपो से ही यह इथेनॉल मिलाकर सप्लाई किया जाता है ताकि वाहनों से अधिक वायु प्रदूषण ना हो। हमारे द्वारा अलग से किसी प्रकार से यहाँ मिलावट नहीं की जा रही है। आज जैन पेट्रोलियम का हमने घेराव कराया गणेश सेना द्वारा। हमें यहाँ की सूचना मिली थी कि पेट्रोल में पानी मिलाया जा रहा है, जिसको लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना लगातार जारी है और लगातार ही जो पंप का मालिक है वो कहीं ना कहीं प्रकार से हमें दबाने के लिए किसी अधिकारी का फोन लगवा रहा है या किसी अधिकारी से बात करवा रहा है। हम कोई दबने वाले नहीं, लड़ाई जारी है। जो इसके पेट्रोल के जो भी अधिकारी रहते हैं उनसे हमारी बात हुई है, 10 मिनट का समय दिया है और हमें यहाँ चेतावनी दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से लाइव ही छोड़ रहा हूँ डायरेक्ट। अगर जो 10 मिनट के अंदर अधिकारी आते हैं ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो एक चेतावनी के रूप में दे रहा हूँ कि आधे घंटे बाद भोपाल रोड जाम कर दिया जाएगा। ये आज जो खड़े हैं हम, आज 20 से 25-30 लोग ही खड़े हैं। आधे घंटे बाद माहौल कुछ और होगा, उसका जवाबदार वो खुद पंप मालिक रहेगा। उसका कारण यह है कि वो लगातार अधिकारियों का दबाव डलवा रहा है, लगातार ही वो किसी का फोन लगवा रहा है। तो हम दबने वाले नहीं है, हम हमारे हक के लिए लड़ने आए हैं और हक के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।